तो वेलकम बैक ये उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट ट्वेल्व है सब लोग रात को सोनवा के घर पर प्रैक्टिस करने के लिए इकट्ठे होते हैं सोनवो ने इन सब के लिए बहुत ही शानदार किस्म की दावत को अरेंज कर रखा था जिसे देखकर कर सबके सब बहुत ज्यादा हैप्पी थे फिर सब लोग देखते है की कि नाना इनके साथ वहाँ आरोप नहीं है जिसे लेकर तो सब लोग इसे कॉल और टेक्स्ट कर रहे थे मगर इसकी तरफ ऐसी कोई भी रिस्पॉन्स न मिलने की वजह ऐसी सोनवा इनको बोलता है की हम लोग इसके बिना ही प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगे है इस सारे समय में सियोलचन जो कि सोनवो को टकटकी बांध कर देखे जा रहा होता है अपनी तरफ गुस्से से इसे देखते पाकर तो सोनवो इसको अकेले में बात करने के लिए ले जाता है कि जरा अकेले में आना मेरे को बात करनी है सियोलचंद ने जब से कार में सोनवो और मिनसई के चाइल्डहुड फ्रेंड होने वाली बात सुनी थी और फिर सियोलचन को पता चला था की मिनसई फिफ्थ क्लास से सियनवो की चाहत है इसे सोनवो से बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही थी वो सियनवो के साथ जाकर इसको बोलता है की तुम्हारी पीठ में छुरा घूमने वाली आदत अभी तक गई नहीं है सोन वो बोलता है कि क्या बोला पीठ में जोरा बना अपना तो सोलचन इसको बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं से वही लड़की है जिसे तुम बचपन से चाहते हो जिसे सुनकर सोनू बोलता है तुम तो मेरे लगते क्या हो मेरे दुश्मन हो जिसे मुझे बताना चाहिए था अगर हो भी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं आरोप फिर इसको चुप खड़े देख कर बोलता है की क्या तुम मेरे दोस्त हो जिसे मैं बताता जिसे सुनकर तो सोलचन चीख कर बोलता है की मैं क्यूँ बनने लगा तुम्हारा दोस्त तो सोन भी चीख कर बोलता है की तो फिर मैं क्यूँ बताता तुम्हें क्यूँ किस रिश्ते ऐसी बताता है दोनों एक दूसरे पर चीख चला रहे थे तो सियनवो भी इसको चीख कर बोलता है कि क्यों बताऊं मैं तुम्हें अगर मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं जिसे सुनकर सियोलचन चीख कर बोलता है क्योंकि मैं भी उसे लाइक करता हूँ जिसे मिनसी भी सुन लेती है क्योंकि वो क्यूरियस थी कि इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है और छुप छुप कर इनकी बातें सुनने आई खड़ी थी फिर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है और सियन वो भी सियोलचंद को बोलता है कि अब देरी हो चुकी है हम दोनों के बीच में मामला सेटल हो चुका है जिसे सुनकर सियोलचन गुस्से से वहाँ से चला जाता है इधर की इन दोनों की बातें सुनने के बाद सोलचन की इसके लिए की गई फिक्र और इसकी मिनसी से कही गई सभी बातें याद आने लगती हैं कि तभी वो मेरा बार बार इसके सामने सियनवो का नाम लेने से चिढ़ता था और सियनवो के पास से वापस आते हुए सोलचन का रास्ता रोक कर इससे जरा अपनी बात सुनने के लिए बोलती है फिर इसको सॉरी करने लगती है तो वो पूछता है किस लिए अपोलोजाइज कर रही हो मेरे को जिस पर सोलचन को बताती है मुझे सब पता चल गया मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है जिसको सुनकर तो वो इसे बोलता है की वो 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 इससे बात नहीं बन पा रही होती है कि अब इसको क्या बोलूं क्योंकि सियलचन को लग रहा था कि वाकई में सचमुच में उसने इनकी सभी बातों को सुन लिया है मतलब अब पता नहीं क्या बोलने वाली है तो फिर इसको बोलता है कि ठीक है ठीक है तुम्हें पता चल ही गया तो फिर बताओ अब क्या करोगी और इसे अपनी तरफ घोटे देख कर बोलता है कि अभी यार तुम मेरे दिमाग आरोप इतनी ज्यादा क्यूँ सवार हो गयी हो की तुम्हें अपने दिमाग ऐसी उतार ही नहीं पा रहा हूँ तो वो उससे आगे ऐसी बोलती है और सोन वो की भी तो सेम फीलिंग है इनका क्या जिस पर सियोलचन बोलता है की मुझे पता है तभी तो मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता तो वो इसको बोलती है ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोग बातें बनाएंगे मगर इसका क्या जो दो लोग एक दूसरे के लिए सच्ची फीलिंग्स रखते हो वो ज्यादा मैटर करता है ना सोल चनकस की की बात समझ नहीं आती है पर बोलता है कि ठीक बोल रही हो ठीक बोल रही हो वैसे फिर बोलती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें क्या लगता है की तुम सिर्फ सोनवो के लिए फीलिंग रखते हो बल्कि सोनवो भी तुम इतनी ही मोहब्बत करता है और तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे ऐसी समझता भी है जिसे सुनकर तो सोल चन जस्ट लाइक अभी क्या बोल रही हो तुम मुझे ऐसा समझती हो क्या मतलब मैं मैं और वो क्या बोल रही हो और अपना सर पीट लेता है क्या ये तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी मैंने इसे सारी रात हीरो की मोहब्बत की दास्तान सुनाई और ये मैडम सुबह उठकर मेरे से पूछ रही है कि क्या बहन भाई थे मतलब मतलब हद होगी वैसे इधर हीरोनवो जैसे ही वापस आकर वहाँ इन सब के साथ मिनसे को न देख कर पूछता है और इसे सियल के साथ होने का सुनकर भागता हुआ वहाँ ऐसी चला जाता है जिस पर शिन्हो भी इसके पीछे भागती है की ये सब चल क्या रहा है इधर मिनसे मिनसेन को बोलती है तो फिर तुम किसे लाइक करने की बात कर रहे थे जिसे सुनकर वो गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या मैं जिसे लाइक करूं और वहाँ से जाने लगता है पर फिर कुछ सोच कर इसके पास आकर बोलता है कि सचमुच में तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया है क्या फिर इसे याद आता है कि मिन्सी ने जब इसे बच्चा बोला था वो इसे सिर्फ एक बच्चे के तौर पर समझती है तो इसको बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज हूँ क्या सच में तुम्हें मेरे अंदर मैन नहीं दिखता है क्या और इसको डराते हुए बोलता है कि अगर तुम अपनी सही सलामत इन दो आंखों से नहीं देख सकते हो तो क्या मुझे तुम्हे तो प्रूव करने की जरूरत है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ फिर सियोलचन इसको पकड़कर अपने इतने क्लोज कर लेता है कि वैसे कुछ कहने लगती है तो इसे चुप करवा देता है कि एकदम चुप रहो और फिर इसे वॉल के साथ लगाते हुए दोबारा इसका नाम लेती है और वो इस पर चीखता है की बोला ना चुप रहो इधर सियोनव इन दोनों को ढूंढ रहा था की वो कहाँ पर गए है और चिन्हव भी इन तीनों के पीछे आ रही थी तभी वो सियोलचन की मिनसर को चुप करवाने वाली चीख सुन लेती है और इसको लगता है की शायद सियनवो और सियोलचन के बीच बीच में फाइट हो रही है इधर सियलचंद इसके क्लोज होते हुए इससे बोलता है कि आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखो मैं बच्चा हूँ औरत हूँ या फिर तुम्हारे लिए मध्य हूँ और फिर जल्दी से इसको किस करने लगता है और इसको अपने इतने क्लोज देख कर वो डरी खड़ी थी और काफी ज्यादा नर्वस थी और इसकी हार्ट बीट बहुत ही जोर जोर से चल रही थी फिर इसके लिप्स को खुले देख कर तो सियोलचंद पीछे हटते हुए इसको बोलता है की अपना मुँह बंद कर लिया करो अगर ऐसे तुम अपना मुँह खोलोगी तो तुम्हें क्या लगता है की मुझे क्या करना चाहिए फिर मतलब जब भी के लिप्स की तरफ देखता था तो उस बेचारे को कुछ कुछ होने लगता था इधर इनको ढूंढता हुआ सियन वो जब ऊपर से को के क्लोज खड़े देख लेता है उसे तो लगता है कि उसने मिनसी को किस कर दी है पर वो इसको किस नहीं करता है और मिनसी को अपना मुंह बंद करने का बोल कर वहाँ ऐसी जाने ही लगता है कि वो वहाँ आकर इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और फिर मिनसे को घबराया हुआ देख कर तो बोलता है की इसे क्या हुआ है इससे पहले की वो दोनों कुछ भी बोलते है शिनाव भी वहाँ पर आ जाती है इससे इन तीनों को ऐसे देख कर लगता है कि जरूर सोनवो और सियोलचंद के दरमियान में फिर से फड्डा हुआ है और सियलचंद गुस्से से वहाँ से इन तीनों के पास से चला जाता है तो पीछे से बोलती है कि पक्का किमन के नाने की वजह से वो गुस्से में है पर असल सीन तो सिर्फ और सिर्फ मिनसे और सियलचंद को पता था जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते है सियलचंद मिनसे की तरफ जब देखता है और मिनसे बेचारी जब सियलचंद की तरफ पूरे समय में देखती रहती है और अपने लिप्स को काटती रहती है सियलचंद के उसके क्लोज होकर उसे किस करने वाला सीन याद आने लगता है और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है उसे सियलचन की इसे की गई अधूरी किस इसको नर्वस कर रही थी इधर सोन वो इन दोनों की तरफ देख देख कर जलता रहता है और मिनसई को नर्वस होते हुए देख रहा था फिर सियलचन बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पाता है जिसकी वजह से सब कुछ दरम्यान में ही छोड़ कर कल दोबारा से प्रैक्टिस करने का बोल कर वहाँ से चला जाता है सभी को लगता है कि सोलचन अपने ग्रुप में किमनाना के न होने की वजह से गुस्से में है कि उनका ग्रुप इनकम्प्लीट है इधर शिन्हा और को चुप देख कर पूछती है की क्या हुआ है इसकी भी किसी से लड़ाई हुई है क्या पर वो भी कुछ भी बोले बिना वहाँ से सबके साथ वापस चली जाती है इधर इन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद सोनवो को सियोलचन और मिनसे के क्लोज होने वाला सीन याद आता है सोनवो ने दीवार के पीछे खड़े होते हुए देख लिया था कि सियोलचन ने मिनसी को किस नहीं की थी इस सब को याद करके वो जैसे ही वापस अंदर जाने लगता है कि तभी वहाँ आरोप किमनाना आ जाती है और वो उससे पूछता है कि सब लोग तो जा चुके हैं तुम इतनी लेट क्यों आई हो जिस पर वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम वही कुछ कहते हो जो तुम देखते हो तो तुम मेरे को बताओ कि तुम्हें अभी क्या नजर आ रहा है और सोनवो चूकी काफी ज्यादा हैरान खड़ा था और इसे अभी कुछ बोलने ही लगता है कि वो सोनवो का आंसर सुने बिना वापस पलट जाती है इधर घर जाते हुए और उस सारे सीन को याद करती है तो इसकी हार्ट बीट बहुत ही जोर जोर से तेज हो जाती है और अपनी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हो जाने की वजह से बेचारी को जैसे लगता है कि उसका दिल बाहर निकलता है जिस पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है इसे अपनी की कुछ समझ नहीं आ रही थी कैसे क्या हो गया है फिर घर जाकर भी सोलचन की बातें इसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी फिर खुद को पीटने लगती है कि मुझे हो क्या रहा है जब भी इसके बारे में सोच रही हूँ इधर किमनाना सियोनवो के बारे में सोच रही होती है उस बेचारी के दिल का भी चैन वैन नैन सब कुछ खो चुका था और इधर सियोनवो वो और सियोलचन दोनों के बारे में सोच रहा था और सियलचन का भी सारे का सारा ध्यान मिनसे की तरफ था उसे भी हर जगह हर समय मिनसे ही नजर आ रही थी और फिर कार की विंडो के बने हुए फेस को अपने हाथ से साफ करते हुए बोलता है कि मुझे इसे यहाँ से मिटाना ही पड़ेगा हर विंडो से मिनसी का फेस खत्म होती है बोलता है कि लो मैंने इसे रेज कर दिया है फिर सियलचंद रात को जब अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पाता है इसका सारे का सारा ध्यान मिनसई की तरफ जो लगा होता है फिर मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए सियलचन और मिनसे का एक दूसरे को देख कर दिल जोर जोर से धड़कने लगता है मिनसे क्लास में सियलचन को पहले से ही बैठा देखे तो क्लास के डोर पर रुक जाती है वो काफी ज्यादा नर्वस हुई खड़ी थी सियलचन को फेस नहीं कर पा रही थी तभी इसके पीछे से सियोन वो आकर खड़ा हो जाता है और इसे सियलचन की तरफ टिकी -टिक बांधते देखकर इसे पकड़कर सीधा सियलचन के बराबर वाली सीट पर जाकर बिठा देता है जिसे सियोलचन भी हैरानगी से देख रहा था और मिनसे इसे तो मुश्किल से फेस भी सियल की तरफ टर्न नहीं किया जा रहा था दोनों ही अपनी अपनी जगह पर नर्वस थे पर सियोलचन जाहिर नहीं कर रहा था इनकी क्लास की गर्ल्स ये सब सीन देखकर फौरन से गरम गरम गॉसिप्स के लिए बाहर जाती है कि सुना है इससे उन्होंने मिनसे के खाते सियोलचन की टीम को ज्वाइन किया है और दोनों एक दूसरे के साथ पकड़े भी गए थे और एक दूसरे को बोलती है कि की सियनवो और मिनसे के बीच में कुचा कुची भी हुई है जिस पर इनकी तीसरी फ्रेंड इनको बताती है की हायरुन को भी पता चल चुका है जिसकी वजह ऐसी वो भी सोनवो आरोप बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और हायर तो बोल रही थी की सियोलचन मिनसई में इंटरेस्टेड है जिसे सुनकर तो तीनों एक दूसरे ऐसी बोलती है की क्या इनके बीच में लव ट्राइंगल है और तीनों हैरानगी ऐसी इनको छुप छुप कर तो देखने की कोशिश कर रही होती है कि तभी किमन कि वहाँ पर क्लास में आ जाने की वजह से इन बिचारियों का मिशन इम्पोसिबल बीच में ही अधूरा रह जाता है मिनसी बिचारी जो कि थोड़ी थोड़ी नर्वस दिख रही थी पर सोलचन जो कि इसके साथ ही सीट पर स्टैचू बना बैठा था फिर थोड़ी ही देर बाद वो मिनसी को अपना फेस दूसरी तरफ टर्न किए बोलता है ये सब कुछ भूल जाओ वो सिर्फ मजाक था जिसे सुनकर तो हैरान होती ही होती है की इनसे थोड़ी ही आगे बैठा सोन वो भी ये सब कुछ सुनकर उसके भी कान खड़े हो जाते हैं वो भी इनकी बातें सुनने लगता है सोलचन दोबारा से मिनसी को अपनी तरफ हैरानगी ऐसी देखते पाकर बोलता है की तुम्हें याद नहीं हम दोनों पहली बार कैसे मिले थे वो भी सिर्फ एक मजाक था और ये भी एक मजाक था इस तरह के मजाक करने की आदत है मुझे समझो की ये मेरी हॉबी है वो इसकी सारी बातें सुनकर हैरान परेशान इससे बोलती है तुमसे किसी ने कुछ कहा या कुछ पूछा है क्या मैंने जब कुछ पूछा ही नहीं तो तुम इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस क्यों देने पर लगे हो मतलब अमी खुद से कुछ भी और इसे बोलती है कि बाय द वे ऐसे घटिया मजाक दोबारा मेरे साथ करने से बाज रहना बाकी तुम्हारे शौक जो भी हूँ मुझे परवाह नहीं है और इससे बोलती है कि बेशरम इंसान तुम्हे मुझे इस सब को भूल जाने का बोलने की बजाय अपने इस घटिया मजाक पर मुझसे अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए था क्या गुस्से से क्लास से बाहर निकल जाती है वो भी इसके पीछे पीछे जाता है और फिर इसके पीछे पीछे भागते हुए अपने इस जॉक को एक्सेप्ट करने पर लेम एक्सक्यूजेज देने लगता है कि जैसे मैं जानना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ और अगर तुम्हें मेरा ये जॉक अट्रैक्टिव नहीं लगा तो फिर तो मुझे मेरी कंपनी वालों से बात करनी पड़ेगी अपनी पर्सनलिटी को इम्प्रूव करने की इस तरह के और भी उससे लेम एक्सक्यूजेज दे रहा था और फिर जैसे ही पीछे से इसका हाथ पकड़ने लगता है जिसे वो झटक देती है कि बोला ना मुझसे दूर रहो और मेरे साथ ऐसे खेलने का सोचना भी मत तभी सोलचन की फैंस वहाँ आकर इसको घेर लेती है मिनसे जब मुड़कर इसकी तरफ देखने लगती है इसको इसके फैंस में घिरा देख के तभी वहाँ पर सोन वो भी इसके फैंस के बीच में से सोलचन को धक्का मार कर मिनसी के पास आ गए इसे खोया खोया देख कर इसे दोबारा से क्लास में वापस चलने को बोलता है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है सोलचन फिर इन दोनों को वहाँ से जाते हुए फैंस के बीच में खड़ा हैरानगी ऐसी देखता रह जाता है फिर वो दोनों सौ खेलते समय एक दूसरे को टीज करते रहते हैं बिल्कुल एक जरा भी जो एक दूसरे को खेलने दे बार बार एक दूसरे को गिराते धक्के मारते और दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं जिससे इनकी पूरी क्लास की गर्ल्स भी नोट कर रही थी निन्से और किमनाना भी हैरान परेशान इनको देख रही थी फिर इनको एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा टीज करने और इनकी खेल बर्बाद करने पर इनको सजा के तौर पर खेल से बाहर निकाल दिया जाता है जब दोनों अपने फेस वॉश करने जाते हैं जलचन बेचारे से एक सेकंड के लिए भी चुप रहना तो बहुत ही मुश्किल होता है तो दोबारा से सोनवा पर तंज करने लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा स्पीडे पकड़ रखी है जिस पर सोनवा इसके पीछे इसकी फैंस की लाइन खड़ी देख कर इससे बोलता है तुम्हें तुम्हारा ये सस्ता नशा मुबारक हो तुम्हे पॉपुलर रहना बहुत पसंद है न जिस दिन इन सब की परवाह करना छोड़ कर इनके सामने मिनसई का हाथ पकड़ने की जरूरत कर पाओ तो फिर मेरे ऐसी आकर बात करना उस दिन तुम्हारा मेरा लेवल बराबर होगा मिनसई के लिए समझे बुद्धू और वहाँ ऐसी इसे पीछे ऐसी सोचता छोड़ कर चला जाता है फिर इनकी क्लास के दौरान कलरबा के सभी मेंबर्स को हालात के खराब होने का काफी अच्छे से समझ आ रहा था जिसकी वजह से सब एक दूसरे की तरफ बार बार देख रहे थे ने अपनी नजर सियोनवो पर गाड़ रखी थी मिनसी छुप छुप कर सियोलचन की तरफ देख रही थी किम नाना सियोनवो की तरफ देख रही थी और किम नाना की तरफ देख रहा था और इधर शिनखा सियलचंद की तरफ देख रही थी मतलब की एक पूरी चेन बनी हुई थी इधर स्कूल की सफाई करते समय मिनसे के दिमाग ऐसी बातें ही नहीं निकल पा रही थी फिर है कि मतलब इतना घटिया मजाक करके आप अगले को सरप्राइज कर दो और फिर इसके बाद बोलो कि सब कुछ भूल जाओ क्या बच्चों का मजाक समझ रखा है सियोल चंद ने वो सियोल चंद के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी तीन गर्ल्स इसे अकेले देख कर इसके साथ मस्ती करने का प्लान बनाने लगती है और जल्दी जल्दी ऐसी अपने हाथ में पकड़े हुए ब्रूम्स को पानी की बकेट में साफ करके पानी को गंदा करके बकेट अपने हाथ में पकड़ लेती है और फिर मिनसे के पीछे पीछे इसको फॉलो करने लगती है इधर विंडो से बाहर देखती है किमनाना मिनसे के पीछे इन गर्ल्स को फॉलो करते देख लेती है और इन गर्ल्स के हाथों में बकट पकड़े देख कर वो समझ जाती है की क्या सीन होने वाला है जिस पर वो भी चुपचाप इन चारों को दूर दूर से फॉलो करने लगती है फिर जैसे ही वो गर्ल्स मिनसे को बिल्कुल अकेला देख कर इसके ऊपर गंदे पानी की बकेट डेलने लगती है तो किमनाना दूर से ही कुछ फेंक कर इस बकेट को इन गर्ल्स पर उलट देती है जिससे इन गर्ल्स को मूंग की खानी पड़ती है मिनसे के अलावा वो तीनों गर्ल्स जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो इनको पता चल जाता है कि ये सब किया धरा किमन का है और किमनाना को देख कर तो सबकी टांगे कांपती हैं तो वो तीनों के तीनों अपनी जोर जोर की बेइज्जती पे वहाँ से पतली गली से निकल लेती हैं और मिनसी जब इस सारे सीन को समझने की कोशिश करते हुए अपने पीछे मुड़कर देखती है कि सब हुआ क्या है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता है की माना वहाँ से जा चुकी थी फिर वो सब लोग प्रैक्टिस करने के लिए एडम के घर पर जमा होते हैं जहाँ पर सब लोगों की बहुत ही अजीब हालत हुई हुई थी सब लोग चिड़चिड़े हुए पड़े थे कोई भी अच्छे से परफॉर्म और न ही प्रैक्टिस कर पा रहा था सब लोग गुस्से में प्रैक्टिस छोड़ रहे थे हालांकि सोनवो बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है कि सब लोग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो मगर किसी का दिल ही नहीं कर रहा था फिर सब लोगों को प्रैक्टिस कर करते देख कर और सब लोगों को गुस्से में देख कर शिन्हो सोनवो के पास जाकर इसे कोई अच्छा सा मूड चेंज करने वाला सॉन्ग सिंग करने का बोलती है कि बाकी तो यहाँ पर मुझे किसी का मुँह नहीं लग रहा है जिस पर सोनवो इसके रिक्वेस्ट पर एक सॉन्ग सिंग करने लगता है और शेन्हा फौरन से जाकर मिनसे के पास खड़ी हो जाती है और मिनसे गौर गौर से सोनवो को सॉन्ग सिंग करते देखते लगती है और सियन वो भी चुपके चुपके से मिनसे की तरफ देखते हुए सॉन्ग सिंह करता रहता है फिर एडम भी सियनवो की आवाज अपने कानों में पट्टी देख कर विंडो खोल कर इसको देखने लगता है और इसको सामने सियलचंद खड़ा दिखता है जो की छुप छुप कर सियनवो को मिनसे की तरफ देख कर सिंह करते दूर दूर से देख रहा होता है और फिर जब इससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो भी अंदर जाकर पास खड़े हो गए सियनवो और मिनसे को एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते देख कर अपने दिल पर भारी हाथ रखे खड़ा हुआ इनको देखने लगता है इस बेचारे को काफी जलसी फील हो रही थी पर इसका दिमाग घुमा हुआ होता है वो हर चीज उल्टी जो करता है उसे अपनी फीलिंग्स की खुद भी समझ नहीं आती है कि वो चाहता क्या है असल में और इधर किमन भी सियन वो और मिनसे को ही चुपके से देख रही होती है और फिर सियन वो मिनसे की तरफ देखते हुए अपने सॉन्ग का एंड करता है और यहीं पर ट्वेल्थ एपिसोड का भी एंड हो जाता है तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द थर्टीन एपिसोड के साथ तो तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा लवली बडीज थैंक्स फॉर वॉचिंग